मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग कर रही कांग्रेस को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया है और अब नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के चुनाव आयोग प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि ये मांग हम लोगों ने अभी नहीं की थी, बल्कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय की थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे स्तर के चुनाव भी ईवीएम से कराए जा रहे हैं, जबकि देश भर में ईवीएम को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ईवीएम से चुनाव तो करा रहे हैं, पर उसके साथ जो वीवीपैट रहता है वो इस चुनाव में नहीं रहेगा, जिससे मतदाता ये नहीं देख सकेगा कि उसका वोट सही जगह गया या नहीं। इससे निश्चित तौर पर भारी गड़बड़ी होने की आशंका है। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। इससे कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। और ईवीएम से चुनाव होने के साथ साथ मतदान होने के साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ईवीएम का जो दूसरा हिस्सा होता है वीवीपैट मशीन, जिससे मतदाता को ये देखने को मिल जाता है कि उसका मत सही गया है या नहीं गया है, वो मशीन नहीं जोड़ी जाएगी। इसको क्या माना जाए? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्य निर्वाचन आयोग सहयोग कर रहा है और मतदान में कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र होने की संभावना है, जिसके संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग में जाएगा, अपनी मांग रखेगा, हम ज्ञापन देंगे।